एक बार फिर से चुनाव एक्सप्रेस, और चुनाव एक्सप्रेस आज पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट में। बैतूल लोकसभा सीट जहां 8 विधानसभा सीट आती है, जिनमें से 6 पर बीजेपी का कब्जा है, 2 पर कांग्रेस है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 28 साल से कांग्रेस को सीट पर जीत नहीं मिली है। और बैतूल की अगर बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में बैतूल जिले को स्वीप कर लिया था बीजेपी ने, इसीलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं जो है वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस का अपना ही दावा है। दावों और वादों के बीच की हकीकत को टटोलने के लिए हम पहुंचे हुए हैं बैतूल। बात करेंगे यहाँ की जनता से भी, यहाँ जो सियासत दल है उनके जो प्रत्याशी है, उनके प्रवक्ता क्या वो कह रहे हैं प्रत्याशियों को लेकर, कितना आत्मविश्वास है, सब जाने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं चुनाव एक्सप्रेस, और पहले आपका जो परिचय है मेहमानों से करवा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी की ओर से हैं जिला कोषाध्यक्ष दीपक सलूजा जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं हेमंत वागद्रे जी, वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही बतौर राजनीतिक विश्लेषक नवनीत गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही यहाँ से जो जनता है वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले बात हम यहाँ पर कर लेते हैं दीपक सलूजा जी, एक बार फिर से दुर्गादास उइके पर आपकी पार्टी ने विश्वास दिखाया, लेकिन क्या जनता विश्वास दिखाएगी, क्यों दिखाए जनता? जनता बिल्कुल विश्वास दिखाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, जिसके माध्यम से अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास हो रहा है, तो क्यों नहीं हमारी जनता विश्वास दिखाएगी। और लाखों की संख्या में इस बार हमारी जो प्रत्याशी दुर्गादास उइके वो बड़ी जीत जीतेंगे, उसका मैं कारण बताना चाहता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में विकास की गंगा बही है, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। सांसद को लेकर बहुत नाराजगी है, अभी एक सभा से उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा था। देखिए, ये सब विपक्ष की साजिशें रहती हैं, अपने व्यक्ति बैठाए जाते हैं जो कि एक नाटक प्रपंच रचते हैं, और उनके द्वारा ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं और ऐसा दिखाया जाता है कि ऐसा है, जबकि ऐसा सच्चाई में कुछ भी नहीं है। प्रपंच रचती है कांग्रेस, लेकिन क्या 28 साल के सूखे को खत्म कर पाएगी? बिल्कुल, इस बार सूखा खत्म होगा, और कोई कांग्रेस प्रपंच नहीं रच रही। महतपुर की वो घटना लाइव वीडियो है, जहाँ पे वहाँ के गाँव के लोगों ने बोला कि कम से कम 6 महीने 2 साल में एक बार तो गाँव में आ जाते हैं। हम लोग अभी लगातार दौरे कर रहे हैं, कहीं पर भी आप बता दें कि उन्होंने अपनी निधि खर्च करी हो। और जहां तक ये शहर के विकास की बात कर रहे हैं, आप बता दें कि उन्होंने सांसद निधि से क्या विकास किया। आज उनको इस बात का ही विरोध का यहां पर सामना करना पड़ रहा है, और निश्चित ही कांग्रेस इस बार यहां पर जीतेगी। कमजोर वर्ग को उठाने की बात तो हर कोई करता है, लेकिन बैतूल की बदहाली तो सभी देख रहे हैं कि बैतूल के वासियों के पास ना स्वास्थ्य को लेकर कोई सुविधाएं हैं, ना शिक्षा को लेकर कोई सुविधाएं हैं। मेरा मानना यह है कि मोदी जी का पूरा देश विकास कर रहा है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जनप्रतिनिधि पूरी ताकत से प्रेशर नहीं बना पा रहे, या ऊपर उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही, इसके कारण डेवलपमेंट जितना होना चाहिए नहीं हो पा रहा। बैतूल हम आए सर तो देखा कि लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है। क्या ये जो ठंडापन है सियासी फिजाओं में भी है, कार्यकर्ताओं के जोश में भी है, या ओवर कॉन्फिडेंस है कि मोदी मैजिक से जीत तो जाएंगे ही? सबसे पहला कारण, बैतूल सुरक्षित सीट है, इसलिए भी लोगों में उत्साह नहीं है। और चूंकि दोनों उम्मीदवार पिछला चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए उम्मीदवार अगर बदला होता तो लोगों में उत्साह होता। और जहां तक प्रत्याशियों के चयन की बात है, ये पार्टियों का मैटर है। एक्सपर्ट्स की तो राय हमने जान ली है, कुछ खास लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैडम अरुण गोठी जी। अरुण जी, बैतूल को लेकर क्या लग रहा है, कुछ बदलाव आया भी है? मैडम, 28 साल से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सांसद जीतते आया है, मगर आप डेवलपमेंट के नाम पे देखेंगे तो बिल्कुल जीरो है। ट्रेन रुकवा देना और बहुत से छोटे मोटे सांसद निधि बंटवा देना, विधायक निधि बंटवा देना, इससे क्षेत्र का विकास नहीं होता। क्षेत्र का विकास के लिए एक विजन लेके चलना पड़ता है और उस विजन पे काम करना पड़ता है। तो जब इतने लंबे समय से सांसद जीत के आ रहे हैं तो कोई विजन को लेके काम नहीं कर रहे ये, जबकि यहाँ पर बहुत से उद्योग डल सकते हैं, यहाँ बहुत सी शुगर मिलें डल सकती है जो सरकारी शुगर मिल डले, उसके बाद यहाँ फॉरेस्ट बहुत अच्छा है उसको लेके उद्योग धंधे डल सकते हैं, फॉरेस्ट फूड बहुत आता है यहाँ पर उसको लेके डलना चाहिए, और अच्छी यहाँ पर इंडस्ट्री डलना चाहिए जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, जिसके मामले में यहाँ शून्य के ऊपर खड़े हुए हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पर। युवाओं को रोजगार मिल सकता है, संसाधन बहुत है, लेकिन उनका सदुपयोग नहीं हो रहा है या उनकी बात कोई नहीं कर रहा। युवाओं की बात करते हैं, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? LLB कर रहा हूँ। क्या लगता है बैतूल में भविष्य दिखता है आपको? जी बिल्कुल दिखता है, एजुकेशन सेक्टर में भी दिखता है,
यहाँ पे लीडिंग कॉलेज है जहाँ से 12,500 करीब बच्चे पढ़ते हैं और विकास हो रहा है। विकास हो रहा है क्या? विकास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है मैडम। मतलब विकास पूरा बैतूल से जिले में हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि विकास नहीं हो रहा है। अगर विकास नहीं होता तो जनता इतने बार चुनके थोड़ी लाती सांसदों को कि भैया एक बार दो बार तीन बार, जब विकास हो रहा है जनता विश्वास करके सरकार ला रही है बार बार। अगर आप खुश हैं यानी कि, लेकिन यहाँ से विरोध का स्वर सुनाई दे रहा था जी, आप बताए आप क्यों ना खुश है? मेरा सवाल दीपू सतीजा जी से अभी आपने पूछा तो उन्होंने बोला कि मोदी जी की जो योजना है वो अंतिम छोर तक पहुंच रही है। मेरा कहना है कि ये सिर्फ योजना है, 2 से 3 लोग जो हमारे देश के सबसे अरब खरब पति अडानी अंबानी है, उनके अलावा कहीं कुछ नहीं है। सुनिए ना, सच्चाई सुनिए ना मैडम। देखिए सरकार के पास कोई व्यापार करने को नहीं होता है, सरकार कोई व्यापार नहीं करती है। सरकार का काम होता है देश को, मतलब अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार देना। अगर सरकार बिजनेस करने लग जाए तो अगर बिजनेस सरकार थोड़ी करती है, सरकार बिजनेस करेगी तो क्या होगा भैया? ये बिजनेस अडानी अंबानी जो कर रहे हैं ठीक है, आप उन पर जो इल्जाम लगा रहे हैं ये करेंगे ना? देखिए हमारे विरोधी ये कह रहे थे कि विकास की बात नहीं हुई। बैतूल जिला आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि कृषि प्रधान जिला है, कृषि के क्षेत्र में पिछले 20 सालों में हमने यहाँ पर डैमों की श्रृंखला बनाई है। मैं आपको डैमों के नाम गिनाऊंगा तो 5 मिनट आपको नाम गिनाने में लग जाएंगे। डैम बने हैं तो सिंचाई का रकबा बढ़ा है, किसानों की आय बढ़ी है, आज किसान यहाँ खुशहाल हैं, तो ये क्या विकास नहीं है? डैम बना तो क्या रोजगार नहीं मिला लोगों को? डेवलपमेंट की जहाँ तक बात कर रहे हैं, ये जहाँ अपन खड़े हैं ये बैतूल शहर नगरपालिका क्षेत्र है और यहाँ पे लाइट गोल है, इसके आप आगे जाएंगे वहाँ लाइट चालू है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ये ग्रामीण फीडर में जुड़ा हुआ है, उसके कारण आए दिन यहाँ पे रहवासी जितने लगभग यहाँ पे 10 से 15,000 लोग ये गोठी कॉलोनी से लेके यहाँ तक रहते हैं और निरंतर इसका दंश झेलते हैं। सबसे ज्यादा बिजली जो है वो यहाँ से जाती है, डेवलपमेंट है। दूसरी चीज एक मिनट, देखिए ये देश का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है, ये बिजली मान लो 10-5 मिनट के कहीं चली गई तो इस मुद्दे पे चुनाव लड़े जाएंगे? पहले तो बिजली थी नहीं, पहले मध्य प्रदेश की यह हालत थी कि गड्ढों में सड़क की सड़कों में गड्ढा ये पता ही नहीं चलता था। ये राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव है, जिसे नेशनल इश्यूज पे जो चुनाव लड़े जा रहे हैं उस पर बात करना चाहिए। बाकी इलेक्शन में ये लोग मुंह की खा चुके हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में इन लोगों ने जितने इशू उठाए थे सब जनता ने नकार दिए। नेशनल इश्यूज का नाम तो ये नहीं है ना कि सिर्फ मोदी मैजिक के भरोसे ही आपके सांसद बैठे रहेंगे। मोदी मैजिक की बात नहीं, हमारे सांसद जी ने विकास कार्य किए। आप एक बात बताइए, बैतूल से अगर हम खंडवा रोड बनाने का हमने सैंक्शन कराया है तो सांसद जी के पत्र पे कराया, कोई इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं आई यूथ के लिए, कोई ऐसी सड़कें नहीं बनी है। और ये बात कर रहे थे कृषि एग्रीकल्चर का रकबा बढ़ा है, लेकिन आज MSP पे क्या गेहूँ खरीद रहे? क्या 2250 रुपए पे गेहूँ खरीद रहे और उसमें भी जो अच्छा गेहूँ है केवल वही खरीद रहे? किसानों की बहुत बुरी हालत है। 3100 रुपए इन्होंने बात करी थी धान खरीदने की, धान का पंजीयन नहीं हो रहा। खरीदते हैं, जब चुनाव के पहले इन्होंने कहा था कि 2700 रुपए गेहूँ खरीदेंगे तो खरीदते गेहूँ 2700 रुपए, क्यों किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं? राम जी का पटका पहना है शायद, लेकिन उल्टा पहना है नहीं, दोनों तरफ है। अच्छा जी, राम की बात हर कोई करता है और राम के नाम पर अपने सियासी हित भी साधता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राम राजनीति का विषय कभी नहीं रहे, भगवान राम हमारे लिए आस्था का विषय है। जब सिर्फ 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीतते थे और 20 साल तक 25 साल तक सरकार बनने की कोई उम्मीद नहीं होती थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ये बात लिखी होती थी कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पूर्ण बहुमत से सत्ता में बैठेगी उस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा और कश्मीर से धारा 370 हटेगा। और ये चुनाव एक अद्भुत चुनाव है, पहली बार जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव में जा रहे हैं तो उत्साह से जा रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर भी बन गया और कश्मीर से धारा 370 भी हट गई। जो कहा था वो कर दिखाया, एक मिनट, जो कहा था वो कर दिखाया, ये बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती है इस बात को लेकर, और खासकर राम मंदिर की अगर बात की जाए यहाँ पर तो। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि कांग्रेस में भगदड़ क्यों मची हुई है, अगर कांग्रेस इतनी एकजुट है तो? ऐसी कोई भगदड़ नहीं मची है, जो ऐसी फूलचाप कांग्रेस ही है वो जा रहे हैं। और अभी जो ये उत्साह की बात कर रहे हैं तो अभी 2 दिन पहले की घटना है, DDU के जी को 2 दिन पहले ही एक ग्राम में खरी गोटी सुना है, तो इतना उत्साह है लोगों के दिलों में कि कांग्रेस को इस बार वोट देना है और रामू टेकाम को जिताना है। अच्छा, हमारे साथ 3 खास मेहमान और जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से सौरभ दुबे जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही बीजेपी नेता हैं अजय सिंह यादव जी भोपाल से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है अपराजिता पांडे जी, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। अपराजिता जी, सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, अगर आप सुन पा रही हैं मुझे तो, छिंदवाड़ा में सब कुछ ठीक है क्या?
आपको मेरी आवाज आ रही है? भैया मैं निकल रहा हूँ, अंबानी जी का चैनल है, इसका बहिष्कार है। मेरी आवाज आपको आ रही है? अब ताजा जी, जी जी प्रश्न प्लीज रिपीट करिएगा। लौटूंगी आपके पास मैं, अपराजिता जी लौटूंगी आपके पास। जी सर। मैडम मैं रोड के मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। जिस समय यूपीए की सरकार थी उस समय माननीय कमलनाथ जी ने रोड स्वीकृत किए थे, बैतूल से नागपुर रोड बना था और वही रोड स्वीकृत किया था बैतूल से भोपाल। आज देखिए यहाँ के सांसदों की जहाँ तक बात है, आप रोड की हालत देखिए, बैतूल से भोपाल जाने में क्या स्थिति खराब है। जिस समय भी जाम लगता है बैतूल से इटारसी तक का रोड बुरी स्थिति में है। यहाँ कोई सांसद ध्यान नहीं दे रहा है, कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। इतनी खराब भारत का इतिहास है। हमारे पूर्व सांसद स्वर्गीय कुमार विजय कुमार जी खंडलवाल, जो बैतूल इंदौर मार्ग है, जो आशापुर मार्ग है, वो नेशनल हाईवे भी नहीं था, उसको सीधे पूरे भारत में की रिकॉर्ड है कि जो स्टेट हाईवे भी नहीं है उसको सीधे नेशनल हाईवे घोषित कराया और आज बैतूल से इंदौर की दूरी कम। सही कह रहे हैं क्या? ये बात तो सही है मैम, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा बैतूल में एक ग्रामीण क्षेत्र आता है, यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे हर और सड़क की बात नहीं है, स्वास्थ्य और शिक्षा की मेन मुद्दे, राजनीति ये होनी चाहिए। आप बताइए सरकारी स्कूल क्यों बंद करे जा रहे, क्यों प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे, जहाँ शिक्षा स्तर इतना नीचे गिर रहा है, वहाँ पे हर KG 1 के बच्चे को 2 से 3 हजार रूपए के परिजनों को भारत सौंपा जा रहा पैसों का, ये पढ़ाई है? नहीं नहीं, विरोध की आवाज़ तो सुननी पड़ेगी ना, स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी यही होती है। ये मेडिकल को लेके सवाल उठा रहे थे। आज पिछले 4 महीने हुए हैं बैतूल जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात यदि किसी ने दिलाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई है। विधानसभा के पहले आपने बोला ना विधानसभा के पहले भी इन्होंने यही कहा था, जैसी जिस दिन आचार संहिता लगने वाली थी एक दिन पहले उद्घाटन करने की बात कर रहे थे, लेकिन आज तक इनको जमीन नहीं मिली। हमेशा ये बात जब भी देख ली है जमीन तय हो चुकी है, वो बहुत जल्दी आपको मेडिकल की सौगात भी बैतूल को मिलने वाली है और अच्छा होगा। इतना वक्त क्यों लग गया? अब देखिए बहुत सारी चीजें घोषणाएं रहती हैं, वो मुद्दे में जब भी तुलना होती है ना तो नागपुर से तुलना होती है। जी मैम, भाई साहब ने राम मंदिर के लिए कहा, राम मंदिर हमारा भी, हमारे कांग्रेस के लिए भी आराध्य होते हैं, लेकिन एक बात ये बताइए कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि मंदिर का पूरा निर्माण भी नहीं होने दिया और उद्घाटन करना पड़ा। मंदिर में हिंदू धर्म में कलश की स्थापना होती है, हाँ, शंकराचार्य विरोध कर रहे, ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ी? क्योंकि चुनाव थे इसलिए मंदिर को दिखाना था। नवनीत जी, विरोध की राजनीति नजर आ रही है जबकि देश का चुनाव है, मुद्दे हावी होने चाहिए लेकिन मुद्दे गायब। एक तो हमारे इस संसदीय क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि 72 साल में आज तक, जहां तक कांग्रेस की बात करें, तो कोई स्थानीय प्रत्याशी सांसद नहीं बन पाया और भाजपा ने भी 1996 तक बाहर के लोगों को टिकट दी थी। तो हमारे जिले का, हमारे संसदीय क्षेत्र का जो डेवलपमेंट है वो ना हो पाना सबसे बड़ा कारण हमारे नेता रहे हैं और उनकी इतनी वॉइस नहीं रही है भोपाल दिल्ली में कि वो कुछ सामान कुछ ला सकें, इसलिए ना इंडस्ट्रीज आई बड़ी बड़ी। और सारनी में थर्मल पावर भी जो आया था वो फूड फॉर वर्क के कार्यक्रम के दौरान आया था। यहाँ पर ट्रेनें भी बहुत सारी बंद हो गई, इसलिए यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर तो मैं भी मानूंगा कि शून्य है। आज ट्रेनों के बात की भाई साहब ने, हमारे ट्रेनों के स्टॉपेज का, अभी वंदे भारत का स्टॉपेज हमने लिया है जो कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े शहरों में नहीं है। 4 रेलवे स्टेशन हमारे 90 करोड़ की लागत से अमृत भारत रेलवे स्टेशन बनने जा रहे हैं। सदर का हमने अंडरब्रिज सेंक्शन कराया, 7 अंडरब्रिजेस के हम उद्घाटन कर चुके हैं। नेशनल हाईवे लगातार हमने स्वीकृत करा लिया, इंदौर हाईवे का हमने वहां तक के छिछोली तक के भूमि पूजन भी कर दिया है और ये जो भोपाल का हाईवे इनकम्प्लीट है उसमें एक पेटिशन लगी हुई थी। ऐसे ये जहां तक कृषि अभी किसानों की बड़े हितैषी वाली बात कर रहे थे, इस बैतूल में 10 ब्लॉक हैं और 10 ब्लॉक में मिट्टी परीक्षण केंद्र बना हुआ है, परंतु वो पूरी बिल्डिंग और पूरी वहाँ की मशीनें कबाड़ हो गई है, आज तक उसका स्टाफ स्वीकृत नहीं हुआ और पूरे लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो चुके हैं। जो है वो भी बर्बाद हो रहा है लेकिन उसके बावजूद विकास का दावा हो रहा है, क्या क्यों सच माना जाए इस दावे को? विकास हो रहा है क्या? विकास हो रहा है मैम, विकास नहीं होता तो हमारे पांचों विधायकों को, बैतूल में पांचों विधायकों को क्यों जिताया गया?
और ये तो मोदी जी के चेहरे, मोदी मैजिक के नाम पर हर कोई जीत रहा है ना, कहाँ भी तो जा रहा है ये जी। तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, जनता डायरेक्ट मोदी जी को देख रही है, मोदी जी ने विकास किया है 2047 तक। मोदी जी हर जगह नहीं पहुंच सकते ना, उनकी योजनाओं को तो आपके सांसद विधायकों को पहुंचाना होगा। पहुंच रही है इसका तो प्रतिफल मिल रहा है। हाँ पहुंच रही है, जनता वो कह रहे हैं जन जन तक पहुंच रही है योजनाएं, जन जन तक पहुंच रही है योजनाएं। हाँ योजना तो पहुंच रही है, तो इम्प्लीमेंट जिस तरीके से होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। अब लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, जिस तरीके से आसपास के जिलों में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो नहीं हो पा रहा। अब देखिए आप छिंदवाड़ा में सांसद है कांग्रेस का, पांडवना में ट्रेन रुक रही, पतला हमारा, उससे हम वंचित रह रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमको प्रेशर की पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। छिंदवाड़ा नागपुर की तुलना में तो बैतूल बहुत पीछे है ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप पुराने बैतूल को कंपेयर करेंगे तो आज के समय का बैतूल बहुत आगे है। अपने शहर की बुराई करना लोगों की आदत हो सकती है, लेकिन अब ये सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, बैतूल पहले से बहुत आगे जा चुका है। नहीं तो यहाँ से भोपाल जाने में कितने घंटे लगते थे आप समझ सकते हैं पहले, और आप कितनी देर लग रही है, आप 3 घंटे के अंदर आए। मैं अगर बता दूं, अगर जो छिंदवाड़ा को कंपेयर करा जा रहा है, वास्तव में बैतूल छिंदवाड़ा से बहुत पीछे है हर चीज में। आप अभी जिला चिकित्सालय चले जाइए, वहाँ पे डॉक्टर का स्टाफ बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बहुत बुरी। यहाँ सारनी क्षेत्र है जो यहाँ से मात्र 40 से 45 किलोमीटर दूर है, पूरा उजड़ चुका है वो, वहाँ रोजगार के साधन कुछ भी नहीं है, फिर भी विकास की बात करते जी। सीधी सी बात है, बैतूल लोकसभा के मतदाता इतने जागरूक है कि वो लगातार 30 सालों से भाजपा को वोट दे रहे हैं, और भाजपा ने अपने वचनों को पूरा किया है। राम मंदिर निर्माण हमारे संकल्प में था, हमने पूरा किया है। 370 हमारे संकल्प में था, हटाएंगे, हमने हटाया। संकल्प पत्र के हर वादे को पूरा करती बीजेपी एजेंडे में शामिल रहता है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, छिंदवाड़ा से जब कंपैरिजन की बात हो रही थी, आरोप तो ये भी लगते हैं ना कि कमलनाथ की अपनी मंशा के चलते बैतूल में कांग्रेस संगठन मजबूत नहीं हो पाता है। ऐसी कोई बात नहीं मैडम, ये तो एक भ्रमित बातें लोगों से की जाती है। मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट थी कि सारनी में यहाँ पे थर्मल पावर था, वहाँ पे कम से कम 5,000 लोग WCL के उसमें भी रोजगार करते थे। आज पूरा सारनी पाताखेड़ा सोबापुर पूरा खंडर हो गया, नई खदानों के खोलने की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन यहाँ पे कोई नई खदानें नहीं खोली जा रही है, ना ही उसके कोई सर्वे हो रहे हैं। ठीक है, सौरभ दुबे जी जुड़े हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से। सौरभ जी आप तक आवाज पहुंच रही है, एक मिनट जाइए। जी अपर्णा जी आ रही है मुझे, सौरभ दुबे जी। जी जी आवाज आ रही है। सौरभ दुबे जी बिल्कुल मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं हम लोग, और देख रहे हैं कि किस तरह से प्रचार जो है दोनों ही पार्टियों की तरफ से सिर्फ एक दूसरे के विरोध तक सीमित है। नहीं देखिए, बहुत मैं देख रहा हूं कि बहुत ही आप लोग लगन के साथ, मेहनत के साथ जनता के बीच में हर एक क्षेत्र में जाकर के उनकी राय ले रहे हैं, और राय में कहीं ना कहीं देखिए जनता को 100% जनता को तो सेटिस्फेक्शन किसी भी सरकार में नहीं रहा। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए ये जो पूरा चुनाव है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, जिस प्रकार से 14 में देखा, जिस प्रकार से 19 में देखा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री जी का अगर आपने प्रेस जो वार्ता हुई अगर उसमें सुना होगा आपने, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं सारा जो धन्यवाद देता हूं इस देश की जनता को देता हूं, जो मैं 80 करोड़ लोगों की थाली में रोटी पहुंचा पा रहा हूं उसका धन्यवाद मैं इस जनता को देता हूं जिसके टैक्स के पैसे से उनकी थाली में वो रोटी खाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि जो देश के कोने कोने के राज्यों के कोने कोने की जनता है वो उनसे जुड़ी हुई है, और उन्हीं के विकास के आधार पर देखिए जब जनता के सामने एक बात आती है कि क्या हमारा केंद्र सरकार क्या हमारी भ्रष्ट है, तो उनको जवाब मिलता है बिल्कुल नहीं। क्या वहां पर घोटाले हुए, उनको जवाब मिलता है बिल्कुल नहीं। इसीलिए कहीं ना कहीं विकास के रास्ते पर जो केंद्र की सरकार चल रही है, मध्य प्रदेश में डबल इंजन का फायदा उसको लाभ कहीं ना कहीं मिला है। हाँ ये जरूर है कि कुछ जगहों पर जहां पर जनता कहती है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अगर लाइट की बिजली की समस्या है या पानी की समस्या है तो वहां तक वहां पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो है भाजपा नरेंद्र मोदी के अगर जितनी उनके इंटरव्यूज हम सुन रहे हैं और जो हम बातें देख रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंट है वो अपनी तीसरे टर्म को लेकर। मैम देखो कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो कॉन्फिडेंस रहेगा ही उसी में, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करी जाए, अगर इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है जो देश की संपत्तियां बेची जा रही है। ट्रेनें बिक गए, एयरपोर्ट बिक गए, हर चीज तो बेच रहे हैं। हमारे यहाँ बैतूल में ये स्थिति बन गई है कि जेल की जमीन बेच के जेल बनाई जा रही है। भोपाल चलते हैं जरा एक बार, हमारे साथ वहाँ पर जुड़ी हुई है कांग्रेस की प्रवक्ता अपराजिता पांडे जी। अपराजिता जी आवाज आ रही है तो जरा बताए, छिंदवाड़ा में सब कुछ ठीक है क्या? निश्चित तौर पे छिंदवाड़ा में तो सब कुछ ठीक है, पर ये जरूर समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी
कांग्रेस के प्रत्याशियों से कमलनाथ जी से कितनी भयभीत है, कितनी डरी हुई है? नहीं तो इतनी सारी मुद्दों पे बातें हो रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और अगर वो अपनी जीत से इतनी आश्वस्त है तो क्या जरूरत आ पड़ी कि 48 घंटे बचे हैं अभी चुनाव प्रचार थमने के लिए, उसमें छापे पड़ रहे हैं? कमलनाथ जी के घर पे हो, उइके जी जो हमारे आपने देखा है विधायक हैं उनके उसमें हो, किस क्यों ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि इस प्रकार छापे पड़ रहे हैं? क्यों? उसका ये रीजन है कि भारतीय जनता पार्टी भयभीत है, क्योंकि काम तो ठीक है, किया नहीं है जी। बोलने की बातें हैं, तो अगर काम किया होता तो क्या इस प्रकार से आज आप कमलनाथ जी से भयभीत होते? और ये भी बताना चाहूंगी, उइके जी के जब घर सिंह यादव जी आवाज आ रही है आप तक, तो बताए क्यों घबराई हुई बीजेपी? देखिए अपर्णा जी, आज कमलनाथ जी के 45 साल के छिंदवाड़ा मॉडल की कलई खुल गई है कि किस तरह से कमलनाथ जी साजिश षड्यंत्र करके अभी तक चुनाव जीतते रहे। आज जो मामला सामने आ रहा है वो स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए कि कमलनाथ जी के सहायक आर के निगलानी द्वारा क्यों षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का कोई कूट रचित वीडियो सर्कुलेट करने की कोशिश की जा रही थी, क्यों इस तरह का पैसा ऑफर किया जा रहा था कि उनकी छवि खराब की जा सके। मेरा स्पष्ट तौर पर कांग्रेस की प्रवक्ता से आरोप है कि आप स्पष्ट तौर पर जवाब दें कि ये कौन सी राजनीति है जो कमलनाथ जी कर रहे थे? क्या 45 सालों से ऐसे ही षड्यंत्र और इसी तरह के आरोपों की राजनीति? आज छिंदवाड़ा से खबर आई कि कमलनाथ के घर पर पुलिस पहुंची है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और कमलनाथ जी बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और देशपूर्ण भावना से वहाँ शिकायत की गई, पुलिस भी गई, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन एक प्रेशर पॉलिटिक्स वहाँ पे, क्योंकि 3 दिन बाद वहाँ पे चुनाव है, प्रेशर पॉलिटिक्स वहाँ पे डेवलप करने का काम किया जा रहा है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। आपके सांसद तो प्रेशर बना नहीं पा रहे हैं केंद्र पर कि यहाँ बैतूल को सुविधा लेकर आ पाए, ये कांग्रेस का सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए पहले। लेकिन छिंदवाड़ा के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स, क्यों मिशन छिंदवाड़ा टफ नजर आ रहा है? नहीं, कोई टफ नहीं है, छिंदवाड़ा हम डेफिनेटली जीतने वाले हैं, इस बार पक्का ही है। हमारे जो प्रत्याशी बंटी साहू जी 1 लाख के ऊपर मतों से जीतेंगे। नोट से वोट खरीदने की जो इनकी टेक्निक है ना, वो भी फेल हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी को लोग देख के वोट दे रहे हैं। कांग्रेस युक्त भाजपा क्यों हुई फिर? देखिए, राम मंदिर के टाइम पे न्योता दिया, इनकी पार्टी के अध्यक्ष और इनके कोई कार्यकर्ता पहुंचे नहीं। जो बेचारा इस कांग्रेस पार्टी का जो हिंदुत्ववादी सोच वाला जो व्यक्ति है वो अपने धर्म को पीछे नहीं रख सकता, इसलिए उसने पार्टी छोड़ी। ठीक है, 3 महीने लग गए याद आने में कांग्रेसी, पूरी भाजपा लगी है वहाँ। आज ही हमारे नीलेश उइके विधायक आए, एक आदिवासी विधायक के यहाँ ये पुलिस भेजते हैं, ईडी भेजते हैं, सारी चीज भेजते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता है। इनको शर्म आनी चाहिए, एक आदिवासी विधायक के यहाँ इस टाइप की हरकत करते हुए कमलनाथ जी के यहाँ आज पुलिस गई। नहीं, आपको कुछ नहीं कहना, आप ऐसे ही खड़े थे, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड। देखिए, सबको पता है 2024 तो सेट है, 2024 सबको पता है क्या परिणाम आने वाले हैं। अब की बार फिर मोदी सरकार और अब की बार फिर 400 पार, ये तय है। ये कांग्रेसी लोग 2029 की चिंता कर ले। अब की बार शाइनिंग इंडिया का आप देख ले, शाइनिंग इंडिया का नारे का क्या असर हुआ था। इस बार भी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इनने महंगाई का नारा दिया था। आज देख लीजिए कांग्रेस के राज में 60 रुपए पेट्रोल था, आज क्या भाव है डीजल देख लीजिए। महंगाई की मार बहुत हुई, महंगाई की मार मेरे भाई ने बताया 100 रुपए पेट्रोल, 70 रुपए जब कांग्रेस की सरकार थी तो 70 रुपए, और ये 100, और गैस सिलेंडर के जो दाम थे वो 400 रुपए थे। महंगाई तो मुद्दा है ना, एक महंगाई कोई मुद्दा नहीं है मैडम, मजदूरी बढ़ी है, काम बढ़े है, रोजगार बढ़े है, काम करने का तरीका बदला है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद से तो मैं बता रहा हूँ कि युवा जागरूक हो चुका है कि काम क्या करना है। मैम, सर बोल रहे थे अभी कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 60 रुपए पेट्रोल था, 70 रुपए ये था, 80 रुपए ये था, लेकिन पाकिस्तान आंग पे चढ़ा हुआ था। पाकिस्तान को चित कर दिया, वो कह रहे हैं पाकिस्तान को चित कर दिया। मैडम, ले दे के ये चुनाव जो है, भारत में चुनाव हो रहा है ना, हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं ना, महंगाई यहाँ पे बढ़ी, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने मजदूरों के रेट बढ़ाए 50 रुपए ज्यादा बढ़ा करके, उससे अगर तुलना करेंगे। अरे आप बताइए, थोक महंगाई दर यूपीए के रिजिम में क्या थी? 2014 के पहले थोक महंगाई दर 7.5% थी, आज 5% है, तो महंगाई कम हुई कि बढ़ी है? इनको आंकड़े, अरे तुलना करना है
तो घोड़े की गधा तुलना घोड़े से करो, घोड़े से की तुलना गधे से मत करो। अरे अमेरिका से, फ्रांस से, रशिया से तुलना करो, क्या पाकिस्तान से तुलना करो। बैतूल की आवाज आपने सुन ली, चुनाव एक्सप्रेस लेकर हम आए थे बैतूल का हाल आपको बताने के लिए। चुनाव एक्सप्रेस आगे सफर इसका चलता रहेगा, आप तक हम आगे भी जो बाकी की लोकसभा सीट है उनका हाल पहुंचाते रहेंगे। और खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसके पहले हो